गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, सब्जेक्ट साइंस। टुडे विल बी अंडरस्टैंड टॉपिक न्यूट्रिएंट्स। आप सभी लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो फूड हम क्यों खाते हैं? हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, और फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को हेल्थी रखते हैं। न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप के। कौन कौन से देखते हैं? प्रोटीन्स भी एक हमारे न्यूट्रिएंट्स में आता है, जो हमारी बॉडी को काफ़ी, हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में भी काम आता है, सेल्स टिश्यू को। और जो हमारे मोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी आर मेड फ्रॉम प्रोटीन, तो वो कौन कौन से हैं? हेयर, स्किन, ब्लड, ऑर्गन्स एंड मसल्स, ये सभी हमारे प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए हम सब, आप लोग सुनते होंगे, सब कहते हैं कि प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए ना, जिससे हमारे हेयर स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स का भी हमारे, ये भी एक पार्ट न्यूट्रिएंट्स का पार्ट है, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमें एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट खाना होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? स्टार्च, शुगर एंड फाइबर टाइप्स। और ये हमें ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, किन चीज़ों में होते हैं? पोटैटो में होते हैं, राइस में होते हैं, ब्रेड में होते हैं, इन सभी में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। फैट क्या होते हैं? फैट जो होता है ऑयली फूड, जितना हम ऑयली फूड खाते हैं उनमें हमें फैट मिलता है। फैट भी 2 टाइप्स के होते हैं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में क्या क्या आते हैं? बीफ, बेकॉन, चीज़, बटर। और अनसैचुरेटेड फैट में आते हैं सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, राइस ऑयल, नट्स, ये सभी लोग खाते हैं नॉर्मली, तो ये फैट्स होते हैं। विटामिन हमें किन चीज़ों से मिलते हैं? विटामिन भी हमें सब्जियों से, फ्रूट से मिलते हैं ना। विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, विटामिन ए भी हमें कैरेट से, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है ना। विटामिन सी हमें ज़्यादातर खट्टी चीज़ों से मिलते हैं, जैसे संतरे, नींबू वगैरह। और मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हमें ड्राई फ्रूट से मिलते हैं। और आयरन ग्रीन वेजिटेबल पे मिलते हैं, जो जैसे मटर आप लोग खाते हैं, है ना, एग्स से मिलता है हमें, चिकन से आयरन। एंड कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है ना, टीथ और बोन्स के लिए, जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में, मिल्क में, टोफू वगैरह में, इन सभी में ये सोर्स ऑफ कैल्शियम होते हैं। एंड वाटर तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है ना, बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है, और जो हम लोग इतना सब कुछ खाते हैं उसको भी बैलेंस करता है ना, डाइजेशन में हेल्प करता है वाटर सबसे ज़्यादा। सो यही सब आपके कितने? 6 न्यूट्रिएंट्स। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।